पेट्रोल डालकर मारने वाले आरोपियों को मिले फांसी की सजा। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। जी हां, राजस्थान में हुई दुखद घटना पर दोषियों को फांसी की सजा देने हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदय से राजस्थान के करौली बुकना गांव में एक व्यक्ति द्वारा मंदिर की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था। जब मंदिर के पुजारी द्वारा कब्जा करने से रोका गया तो कैलाश मीना व उसके अन्य साथियों ने मंदिर के पुजारी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। यह घटना ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना हुई। देश के अलग अलग राज्यों में ब्राह्मण समाज के प्रति ऐसी घटना घटित हो रही है, जिससे ब्राह्मण समाज में अति आक्रोश है। आज गंजवासोदा ब्राह्मण समाज ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा, जिसमें ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोगों ने मांग की है कि पुजारी हत्याकांड में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो दोषी हों उनको फांसी की सजा दी जाए एवं उक्त ब्राह्मण परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इंडिया खबर लाइव के लिए गंजवासोदा मध्य प्रदेश से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। राजस्थान के तुकमा गांव में एक पंडित समाज के व्यक्ति को अच्छे मन में जमीन जो दी गई है उसके विरोध करने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। और हमारा कहना है आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार ब्राह्मण समाज को हो रहा है, विशेष तौर से यूपी गवर्नमेंट में जिंदा जलाए जा रहे हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सब ये मांग करते हैं अगर इसी प्रकार होता रहा और प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं तो यही प्रदेश उपाध्यक्ष दो शब्द बोलना चाहूँगी कि पूरे प्रदेश और देश में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, चाहे किसी का मर्डर हो, मार दिया जा रहा है, शासन बिल्कुल देख नहीं रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इस अपराधी में मेरा मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण ही है तो हम ब्राह्मण के उससे नहीं बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, कोई वो नहीं होता है। दलित होते तो बीच में चकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाप किया है, अपराध किया है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा, सबको मिलकर एक होकर सजा दिलवाना हमारा कर्तव्य बनता है। ब्राह्मण एकता की तरफ से भी हम सब ने ज्ञापन दिया है और अपराधी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सजा दी जाए। और जो परिवार है, जो गरीब पुजारी का परिवार है, उसके लिए उसको भी ना एक सरकारी नौकरी दी जाए उसके परिवार में, जैसा कि चल रहा है हर जगह कि अगर ना हाथरस में कोई कांड होता है तो परिवार को नौकरी दी जाए, ये दिया जाए, 50 लाख दिया जाए। तो मेरा मतलब है कि उस पुजारी, वो तो गरीब पुजारी थे ना, उसको भी दिया जाए, उसके साथ भी न्याय सबके साथ किया जाए। अगर न्याय होगा तो सबके साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ज्ञापन माह में राज्यपाल जी के लिए है, वो नियमानुसार कलेक्टर महोदय के माध्यम से वहाँ भिजवा दिया जाएगा।